अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे। आज आपके साथ में शेयर कर रही हूँ बड़े मज़ेदार सा ओरियो डिज़र्ट। ये उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। आपने ज़रूर ट्राई करना है, अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें ये मज़ेदार सा ओरियो डिज़र्ट। इसके लिए आपको फुल वीडियो देखनी पड़ेगी और बिल्कुल सिंपल और क्विक सी रेसिपी है। इसके लिए मैं बताऊँगी क्या क्या चाहिए। मैंने ओरियो बिस्किट लिए हैं। मैंने ओरियो बिस्किट के पीस 16 से 17 पीस लिए हैं बिस्किट्स के। अब इसकी क्रीम हम रिमूव कर लेंगे और बिस्किट को क्रश कर लेंगे। ये हमने बिस्किट को ओपन किया। ये हमने जो ये क्रीम है, ये नाइफ़ की मदद से आपने ये सारे निकाल के रिमूव करते जाने हैं। ऐसे ही हम सब करते जाएंगे। जो आप देख सकते हैं हमने सारी क्रीम रिमूव कर ली है। अब इस बिस्किट को हम क्रश कर लेंगे, इसका पाउडर बना लेंगे। जो आप देख सकते हैं हमने पाउडर कर लिया है इसको, ये बिल्कुल क्रश कर लिया है, जितना हो सकता है हमने कर लिया है इसको। अब इसमें हमने 2 चमचे बटर डालना है, कोई भी कंपनी का आप ले लें। अब इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। जो हमने सर्विंग डिश ले लिया है जिसमें हमने सर्व करना है, अब इस पर हमने ये जो बिस्किट का हमने किया था क्रश, ये जो पाउडर स्टाइल में हमने बिस्किट को किया था उसमें 2 चमचे हमने बटर डाला, ये भी हम इसमें डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे जिससे अच्छी तरह से सेट हो जाए। जो आप देख सकते हैं हमने इसको अच्छी तरह से स्प्रेड कर लिया। अब इसको हमने 20 मिनट के लिए फ्रीजर में रख देना है जिससे अच्छी तरह से ये सेट हो जाए, जब तक हम क्रीम बना लेते हैं। जब हम क्रीम का बैटर बना लेंगे, मैंने 400 ml क्रीम ली है, कोई भी आपने ब्रांड की ले ली नहीं। इसको अच्छी तरह से बीट करना है 10 मिनट के लिए जिससे अच्छी तरह से थिक फॉर्म में हो जाए। अब इसको अच्छी तरह से हमने बीट करना है, फिर इसमें जो जो चीज़ें मैं डालती जाऊँगी आपको बताती जाऊँगी। जो आप देख सकते हैं हमने इसको अच्छी तरह से बीट कर लिया है 10 मिनट के लिए। अब इसमें हमने कंडेंस मिल्क डालना है। मैं 1/2 कप कंडेंस मिल्क डाल रही हूँ इसमें। और ये जो हमने क्रीम निकाली थी ओरियो बिस्किट में से, वो हम डाल देंगे इसमें। जो देख सकते हैं हमने इसमें 1/2 कप कंडेंस मिल्क डाला और जो क्रीम हमने ओरियो बिस्किट में से निकाली थी वो हमने डाल दी। अब इसको अच्छी तरह से इन सब के साथ मिक्स करेंगे। इसके साथ भी हम 5 मिनट के लिए बीट करेंगे। जो देख सकते हैं हमारा रेडी हो गया ये फॉर्म। अच्छी तरह से हमने इसमें क्रीम भी डाल दी, हमने कंडेंस मिल्क भी डाल दिया, हमने इसमें ये जो बिस्किट वाली क्रीम थी वो भी डाल दी। इसको अच्छी तरह से बीट किया। अब हम ओरियो बिस्किट के ऊपर ये डाल देंगे। अब ओरियो बिस्किट भी सेट हो गया होगा। जब देख सकते हैं हमने डिश में जो ओरियो बिस्किट स्प्रेड किया था अच्छी तरह से ये सेट हो गया। अब ये हमने जो क्रीम बनाई थी हम इसके ऊपर डाल देंगे। जो आप देख सकते हैं हमने क्रीम इसके ऊपर अच्छी तरह सेट कर ली। अब इसको हमने 1/2 घंटे के लिए फ्रीजर में रख लेना है जिससे अच्छी तरह सेट हो जाए। फिर इसके ऊपर हमने बिस्किट की गार्निश करनी है, देन इसको फिर से हमने 1 से 2 घंटा फ्रिज में रख देना है। ठीक है, अभी हम 1/2 घंटे के बाद मिलते हैं। जो आप देख सकते हैं 1/2 घंटा गुजर गया, अच्छी तरह से ये सेट हो गया। अब इसके ऊपर हमने बिस्किट की गार्निश करनी है, देन हम फिर से इसको फ्रिज में रख देंगे। जब हम बिस्किट के साथ इसकी गार्निश करेंगे, मैंने 1 बिस्किट के 4 हिस्से कर लिए हैं, इसके साथ इसको गार्निश करेंगे, ये इससे बड़ा मज़े का लगेगा। जी आप देख सकते हैं हमारा मज़ेदार सा ओरियो डिज़र्ट रेडी है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। इसको आपने 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है, अच्छी तरह से ठंडा हो जाए तो आप अपने घर वालों के साथ सर्व करें और खिलाएं उन्हें और मज़ेदार सा ओरियो डिज़र्ट इंजॉय करें। लाइक सब्सक्राइब एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन।